हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज बादल सरकार सर और आपका स्वागत है वोकैब के इस नायाब सेशन में। आज हम एक नए तरीके से वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं, वोकैबुलरी पे अपना कमांड दिखाने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। और आज हम न्यूमेनिक्स के हेल्प से वोकैबुलरी को एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे है फर्स्ट वर्ड, दैट इज स्ट्राइडेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग अ लाउड हार्श साउंड, बहुत कर्कश ध्वनि के लिए हम स्ट्राइडेंट का यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इसे न्यूमेनिक से कैसे याद करेंगे? आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, स्ट्राइडेंट को मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ रखा है। एक मैंने लिखा स्त्री और दूसरा मैंने करा डेंट। लेट एज्यूम करने की चीज़ें हैं ये। न्यूमेनिक्स का मतलब जितना आप सोच सकते हैं चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्त्री का मतलब स्त्री, दैट मीन्स औरत, वुमेन। और डेंट साउंड्स लाइक डेंट, मतलब कि दांत। तो स्त्री को मैंने, स्ट्राइक को मैंने स्त्री वुमेन कहा, डेंट को मैंने दांत कहा। यानी कि दांत कहाँ होता है? टूथ, माउथ में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वुमेन यानी महिला का मुंह बंद नहीं होता है, हमेशा चिल्लाते रहती है, मतलब हमेशा साउंड करते रहती है, और साउंड को ही स्ट्राइडेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो महिला का चिल्लाना यानी कर्कश ध्वनि, और वो क्या कहलाया? स्ट्राइडेंट। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्राइडेंट टोन इन हिज वॉइस रिवील्ड हिज एंगर, मतलब उसके टोन कैसा? स्ट्राइडेंट यानी कि उसके आवाज में जो कर्कश टोन है, उसने क्या दिखाया? उसके गुस्से को। आप इमेज में भी देख सकते हैं ये इंसान किस तरीके से दूसरे के ऊपर चिल्ला रहा है, यानी कि कर्कश ध्वनि, तो इसकी आवाज स्ट्राइडेंट हुई। स्ट्राइडेंट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, पहला वॉसिफेरस और दूसरा वोकल। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्टुपिफाई। स्टुपिफाई का मतलब होता है टू सरप्राइज और शॉक समबडी, किसी को सरप्राइज करना या शॉक करना। ये अपने आप में एक वर्ब है। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? स्टुपिफाई को मैंने स्टुपी कहा, स्टुपी मीन्स स्टुपिड। मान लेते हैं अगर कोई चीज आपके समझ में ना आए तो आप स्टुपिड जैसा फील करेंगे, आप शॉक्ड होंगे। जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसे ही हम बोलते हैं स्टुपिफाई। ओके, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये इंसान किस प्रकार से शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज स्टुपिफाइड विथ कोल्ड, वह स्टुपिफाइड हो गई, वह सरप्राइज्ड हो गई थी किस चीज से? ठंड के कारण। ओके, और लेते हैं इसके सिनोनिम्स की बात, तो इसका सिनोनिम्स होता है अमेज या फिर एस्टोनिश। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ककाफोनी। ककाफोनी नहीं, ककाफोनी। ककाफोनी का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड्स, या फिर कह सकते हैं इरिटेटिंग ट्यून। बात समझ में आ गई? ये एक नाउन है। अब इसे कैसे याद करें? तो न्यूमेनिक से ऐसे हम कर सकते हैं। ककाफोनी को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा, पहला कॉप और दूसरा फोन। आप जानते हैं कॉप मीन्स पुलिस होता है और फोन मीन्स फोन। आप एक बात समझिए, पुलिस वाले हमेशा गाली देकर बात करते हैं और अच्छे से बात नहीं करते, उनकी आवाज़ भी बहुत लाउड होती है जो हमें सुनने का मन नहीं करता है, तो वो एक ककाफोनी है, बहुत ही इरिटेटिंग होता है। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा पुलिस की जो सायरन होती है वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जो हमें बार बार सुनने की इच्छा नहीं होती है। तीसरे तरीके से हम याद कर सकते हैं इसे, जब आप कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं और आपके पीछे से गाड़ी वाले हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, तो वो जो अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग हॉर्न्स जो आपको सुनने को मिलते हैं, तो वो जो मिक्सचर बना अनप्लीजेंट साउंड्स का, उसे हम कहते हैं ककाफोनी। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, वी हर्ड अ ककाफोनी ऑफ हॉर्न्स ड्यूरिंग द ट्रैफिक जाम, हमने सुना एक बहुत ही कर्कश ध्वनि हॉर्न्स की किस समय? ट्रैफिक जाम के समय। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो एक इसका सिनोनिम्स होता है चैटर और दूसरा होता है रंपस। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, सन्ड्री। सन्ड्री का मीनिंग होता है वेरियस, या फिर कह सकते हैं नॉट इंपॉर्टेंट टू बी नेम्ड सेपरेटली, मतलब अनेकों की बात की जा सकती है, या फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनका अलग अलग नाम ले सकूं। जैसे ये सन्ड्री एक एडजेक्टिव है,
अब इसे न्यूमेनिक से कैसे याद कर सकते हैं? मान लो सन्ड्री साउंड्स लाइक सुंदरी, सन्ड्री को मैंने सुंदरी के नाम से कहा। सुंदरी मीन्स सुंदर लड़की, और आप सभी जानते हैं सुंदर लड़की के पीछे बहुत लड़के पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा को ही सन्ड्री बोलते हैं। और आपको पता है उन सारे लड़के या उन सारे लड़कों का बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा न्यूमेरिक्स क्या लगा सकते हैं? सन्ड्री लाइक संडे, और आपको पता है संडे से मैंने रिलेट किया सन्ड्री को। संडे को हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, इसका मतलब मोर देन वन काम करते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा, वेरियस, जहाँ बहुत का सेंस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ वॉच, अ नोटबुक, अ डायरी एंड सन्ड्री अदर आइटम्स इन द डेस्क ड्रॉअर। इसका मतलब जो ड्रॉअर है डेस्क का, उसमें एक घड़ी है, एक नोटबुक है, एक डायरी है, और भी बहुत सारे मिक्सचर आइटम्स हैं आपके डेस्क ड्रॉअर में। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस दुकान में, इस शॉपकीपर में, शॉपकीपर के पास इस शॉप पे बहुत सारे सामान हैं। तो अलग अलग सामान जिसका आप अलग अलग नाम नहीं रख सकते हैं, उस केस में सन्ड्री को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका सिनोनिम्स क्या है? तो डिस्परेट और मैनिफोल्ड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, दैट इज रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को अपनाने से इनकार करना। ये एक वर्ब की तरह यूज होता है। चलो इसे न्यूमेरिक्स पे कैसे याद करते हैं। रेपुडिएट को मैंने कहा रेपू, रेपू का मतलब रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन मीन्स इज्जत। और दूसरा पार्ट मैंने कहा एट, एट का मतलब खा जाना। इसका मतलब हुआ रेप्यूटेशन को खा जाना। मान लेते हैं अगर कोई लड़का कोई गलत काम करता है जिसके कारण उसके पेरेंट्स का नाम खराब होता है, मतलब बेइज्जती होती है, तो पेरेंट्स उसके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं और उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देना ही क्या कहलाता है? रेप्यूडिएट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रेप्यूडिएटेड द प्रपोजल, मैंने प्रपोजल को रेप्यूडिएट किया, यानी कि रिफ्यूज़ किया। इसके लिए सिनोनिम्स है डिक्लाइन, ब्लो ऑफ, डिसडेन। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, ये महिला किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। ओके गाइस, तो आज का सेशन कैसा लगा? मुझे पता है आप लोगों को मज़ा आया होगा, और आगे इसी तरीके के वोकैबुलरी के शानदार और नायाब तरीके से मैं सेशन आपके साथ लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।